हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे आई की मात्रा। तो बेटा, अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, इस आई की मात्रा में क्या होता है, दो मात्रा लगती है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको करवा रही हूँ कैसे लेके गै तक आई की मात्रा लगवाना। ओके बेटा, तो अगर कै पे आई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, कई, ऐसे ही खई, फिर गई, फिर घई, चई, छई, जई, झई, टई, ठई, डई, ढई, तई, थई, दई, दही। नहीं बेटा, जैसे आप लोगों को मैं ये बोल बोल के करवा रही हूँ, वैसे आप लोगों को खुद को भी बोल के करना है, क्योंकि तभी आपको ये मात्राओं को बोलना और लिखना आएगा। ओके बेटा, आगे देखिए, आपकी ये जो बुक है, इसका पेज नंबर जो ये 39 है, इसके अंदर भी बुक का नाम है बेटा आपकी स्वरमाला। इसके अंदर भी क्या है, आपको ये एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे लेके गै तक आई की मात्रा लगानी है। तो कई, खई, गई, घई, चई, छई, जई, झई, टई, थई। बेटा जैसे मैंने आपको इसके अंदर लगवाई है, सेम वैसे ही आपको गै से ज्ञानी तक लगानी है। और बेटा, जब आप लोग इन मात्राओं को लगाकर लिखेंगे तो प्लीज बोल बोल कर लिखिए, जिससे आपको ये समझ आए। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको आई की मात्रा के शब्द लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास गैस, मैना, नैया, सैर, तैर, पैर, और फिर चैन। बेटा, आई होप मैंने ये जो आपको कैसे गै तक मात्रा लगवाई है, इस मात्रा को समझाया है, आई की मात्रा को, और ये जो शब्द लिखाए हैं, ये आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद आप खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये और परफेक्टली आ जाए। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।